नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है नागौर, थाना क्षेत्र है मेड़ता। मेड़ता थाना क्षेत्र में गांव है कुरड़ाया। कुरड़ाया गांव का जो शमशान है, जहां उस गांव के मृत लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वहां से एक व्यक्ति जिसका नाम नेक राम था, भाकर राम ने थाना अध्यक्ष को फोन किया। बहुत धीमे धीमे बोल रहा था। उसने बताया कि मैं कुरड़ाया गांव के शमशान से बोल रहा हूं, मेरे सगे भाई जिसका नाम नेमाराम माकड़ है, उसके अंत्येष्ट की पूरी तैयारी है। चिता बन गई है, लाश उसके ऊपर रख दी गई है, लेकिन लाश को जलाने से पहले जो संस्कार किए जाते हैं, उन्हें नहलाया जाता है। जब उनके कपड़े, घर में भी एक बार ये संस्कार होता है, और उन्हें फिर उनके जो कपड़े होते हैं वो उतार के कुछ सफ़ेद कपड़ों में कपड़े बांधे जाते हैं, और जलाते समय वो कपड़े भी फिर निकाल लिए जाते हैं और खाली शव को जलाया जाता है। बहुत से धर्मों में अंतिम संस्कार से पहले शव को या देह को नहलाने धुलाने का प्राविधान है। उसने बताया कि ऐसे ही एक प्राविधान में, ऐसे ही जो हमेशा जो रिचुअल होता है, उसमें हमने देखा है कि हमारे भाई के शरीर पर कई जख्म हैं और उसके गर्दन पर कसावट के बहुत स्पष्ट निशान हैं। मुझे इस बात की शंका है कि मेरे भाई की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप अंतिम संस्कार को रोकिए, हम लोग आ रहे हैं। उसने कहा, साहब अंतिम संस्कार को रोका नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा भाई जो इस समय चिता पर जलने की तैयारी में है, हमारे परिवार के सिर्फ 2-4 लोग ही हैं, बाकी हमारा पूरा ससुराल यहां भरा पड़ा है। अगर हमने रोकने की कोशिश की तो ये मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। मैंने सारी फोटोग्राफ्स निकाल ली हैं। जिस समय ये क्रिया चल रही थी, नहलाने धुलाने की और जलाने से पहले की जो क्रिया होती है, उसी समय मैंने सारी चोटों, गर्दन के कसावट और पूरी बॉडी की फोटो मोबाइल में कैद करा ली है। मेड़ता के प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि कोई जिम्मेदार आदमी हो या तुम्हारे ससुराल का ही कोई आदमी हो, उसे फोन दे दो, मैं अभी इस अंत्येष्टि को रुकवा दूंगा। उसने कहा, साहब अगर मैं ऐसा करूंगा, सबकी जानकारी में हो जाएगा कि मेरे फोन से या मेरे बताने पर ये नंबर मिला है और उसके ससुराल वालों से अंत्येष्टि रोकने के लिए कहा गया है, मेरी हत्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जितना डिले कर सकते हो डिले करो, हम लोग आ रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक ने अपनी एक सब इंस्पेक्टर और 2-4 सिपाही अपने थाने के वाहन से मौके के लिए रवाना किए, लेकिन थाने से वो जगह, वो गांव या वो शमशान दूर था। और ससुराल वाले, मृतक के ससुराल वाले शव को जलाने की जल्दी में थे। मृतक के भाई की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अंत्येष्टि को रुकवा सके।
बहरहाल ससुराल वालों ने उसके बेटे से चिता में आग लगवा दी। जब तक पुलिस आती आती शव ऑलमोस्ट जल गया था। पुलिस आई, पुलिस ने भी थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन शव को जलती हुई चिता से उठा के ले जाने की हिम्मत भी पुलिस की नहीं हुई। और पुलिस के पहुंचने के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद तक शव जलकर राख हो चुका था। पूरी प्रोसेस 2-2.5 घंटे की होती है। 2-2.5 घंटे में वो जब तक वो पहुंचते शव जला दिया गया था। लोग अपने अपने घर पहुंच गए। पुलिस ने भाई भाकर राम से वहीं बात की। उसने कहा, साहब मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता या आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा नाम खुला तो मेरे साथ मुसीबत हो जाएगी। आप थाने पर पहुंचे, मैं शाम होने के बाद अंधेरे में आपके पास आऊंगा, वो सारी फोटोग्राफ्स आपको दूंगा, दिखाऊंगा, और उसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे उसको मैं मान लूंगा। बहरहाल रात में 8 बजे मृतक नेमाराम माकड़ के बड़े भाई भाकर राम थाने पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर भी उनका वेट कर ही रहे थे। इंस्पेक्टर को अपने मोबाइल से ली हुई सारी फोटोग्राफ उन्होंने दिखाई। इंस्पेक्टर ने वो सारी फोटोग्राफ अपने मोबाइल पर ट्रांसफर की। सब इंस्पेक्टर्स और थाने पर जो जानकार पुराने सब इंस्पेक्टर होते हैं, पुराने दीवान होते हैं, उनको दिखाया गया। फोटो के देखने से स्पष्ट हो गया कि इस व्यक्ति की हत्या की गई। फिर ये पूछा गया कि घर में कौन कौन था। पता लगा इसकी पत्नी और इसका बेटा था। पत्नी का नाम शारदा, जिसकी उम्र 47 वर्ष, और बेटा जिसका नाम रविंद्र, उम्र 24 वर्ष। उसने पूछा कि जब आपको सूचना मिली या आपको बताया गया, क्योंकि एक ही गांव में उसका घर भी था और ससुराल भी था, तो उसने ये बताया कि बेटा रविंद्र दौड़ते हुए हमारे घर पर आया था और उसने ये बताया था कि मेरे पिता की मृत्यु गिरने से, एक एक्सीडेंट में गिरने से हार्ट अटैक हो गया उनको और हार्ट अटैक में उनकी जान चली गई। थोड़ी देर बाद उसके मामा और तमाम और लोग भी मेरे घर पर आ गए और ये कहा कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग भाग कर घर पहुंचे। घर में उसको जमीन पर कपड़े से ढक कर लिटाया हुआ था। देखने में ऐसा ही सामान्य सा लग रहा था कि उसकी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई होगी। पूरे गांव ने मान लिया कि इसकी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई है। फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी, लेकिन बहुत जल्दी में थे उसके ससुराल वाले मृतक के, और पत्नी और बेटा, मृतक की पत्नी और बेटा, ये दोनों भी बहुत जल्दी में थे कि जल्दी से, कारण पूछा गया और उनका नहीं साहब शाम को वो हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद नहीं हम कर सकते अंतिम संस्कार, इसलिए जल्दी। कुछ लोगों ने, बुजुर्गों ने टोका, भाई इतनी जल्दी क्या है। बताया गया कि 5:30 बजे तक या लगभग 6 बजे तक सूर्यास्त होगा, अक्टूबर का महीना है और 1 बजे से ही आफत मची हुई है। तो उन लोगों ने ही कहा साहब इसमें टाइम लगेगा, अभी घर से निकलने में टाइम लगेगा, घाट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लकड़ी का इंतजाम करना है, ये करना है, वो करना है, लिहाजा जल्दी जल्दी इसको शमशान तक पहुंचाया जाए।
घर में जो उसको नहलाने धुलाने का जो कार्यक्रम होता था होता है उसमें उसने मृतका की पत्नी ने सिर्फ बेटे से और अपने मायके के कुछ लोगों से ये कार्य कराया, जबकि परिवार से उसके भाई भतीजे इन लोगों से ये कार्य कराना चाहिए। तभी इसके बड़े भाई नेकराम भाकरराम नेकराम नेमाराम के बड़े भाई भाकरराम को ये शंका हो गई कि जो रिचुअल हम लोगों को करना चाहिए वो बेटे और अपनी ससुराल वालों से क्यों कराए जा रहे हैं। बहरहाल बॉडी पहुंच गई शमशान पे, चिता पे, जो वहाँ जो लोग होते हैं जो अंत्येष्टि कार्यक्रम में जो कुछ भी कराते हैं, चिता पर लिटा दी गई। वहाँ भी वो कपड़े उतार के, और एक रिचुअल होता है जो सभी लोग जानते होंगे जो भी अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं। अब चूंकि वो खुली जगह थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, पूरा गांव था, तो लोगों ने इस चीज को देखा और इसी बीच दो तीन लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो बना ली। भाकरराम बताते हैं कि मेरे बेटे से भी मैंने कान में कहा, उसने भी इसकी फोटो, खासकर चोटों के निशान और गर्दन में जो कसावट का निशान है, नीलगू निशान जिसे कहते हैं, उसकी फोटो और वीडियो बनवा ली। क्योंकि लोग देखकर थोड़ा थोड़ा मरमरिंग उनके बीच में हो रही थी, और तभी मृतक के सालों ने, उसके ससुराल वालों ने, उसके बेटे ने, जो वहां पर अंतिम संस्कार कराते हैं पंडा लोग जो घाट पर रहते हैं, महाब्राह्मण कहते हैं उनको, महाबावन कहते हैं उनको, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, वो रिचुअल कराते हैं। और जो डोम राजा कहते हैं, डोम कहते हैं, वो लोग उसमें आग वाग लगाने का काम करते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी कराकर लाश में आग लगाने का काम शुरू होने ही वाला था, और हमने उनके ससुराल के एक जिम्मेदार आदमी से कहा कि चोट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा चुप रहो, अंत्येष्टि हो जाने दो, गांव चल के बात करेंगे। अब तो सब हो गया, आप क्यों कह रहे हो, तुम्हें प्रॉपर्टी लेनी है इसकी क्या? इस तरह की बात सुनते ही मैं सहम गया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फोन आपको यानी इंस्पेक्टर को करके वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? बोले साहब, जब दो ही लोग घर में थे, पत्नी और बेटा, यही दोनों लोग बता सकते हैं। थाने के पुलिसकर्मियों ने, जिन लोगों ने ये फोटो और वीडियो देखी, सबको ये यकीन हो गया कि ये सामान्य हार्ट अटैक या सामान्य मृत्यु का नहीं, हत्या का मामला है। अगले दिन यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को थाने से महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर भेजकर मृतक नेमाराम माकड़ की पत्नी शारदा माकड़ को और बेटे रविंदर को थाने बुलवाया गया। दोनों आ गए। इनिशियल पूछताछ की, कैसे हुआ, क्या हुआ, माँ बेटे दोनों एक ही बात बता रहे थे। फिर पुलिस ने पूछना शुरू किया कि शरीर पर फलां जगह चोट थी, फलां जगह चोट थी और फलां जगह चोट थी, ये चोट कैसे आई? शारदा और उसके बेटे ने कहा कि साहब शराब बहुत पीते थे, कल ये शराब पीकर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, मोटरसाइकिल से गिर पड़े और चोट लग गई। फिर पुलिस ने फोटो दिखाकर यह कहा कि यह गर्दन पर निशान कैसी है। पहले पूछ लिया कहां कहां तुमने चोट देखी, तो उनका साहब यहां थी, यहां थी, यहां थी, और उस समय तो नशे में थे, उस समय तो आके सो गए, सवेरे दर्द बताया तो फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली,
इस तरह की एक फर्जी कहानी सुनानी शुरू की मृतक की पत्नी शारदा ने। उसके बाद पूछा गया कि बताओ गर्दन पे चोट का तुमने कोई जिक्र नहीं किया, ये चोट कहां से आई? ये सवाल सुनते ही शारदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस को, महिला पुलिस को अपना वो काम करना पड़ा जो उसे करना चाहिए था। शारदा से पूछताछ शुरू हुई, असली वाली। अभी तक तो इंट्रोडक्टरी पूछताछ में उसने इतनी बात बताई थी। जब असली वाली पूछताछ हुई तब पूरी बात खुलकर सामने आई। धीरे धीरे बताई गई इस बात को पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ने और पूरा मकसद क्या था ये करने में करीब 8 घंटे पुलिस को लग गए। सबसे पहले लगभग 3 साल पहले नेवाराम के नाम जो जमीन थी, पैतृक जमीन जो पिताजी से और बाबा से पिताजी में आई, पिताजी से फिर नेवाराम के नाम आई, भाइयों के नाम आई, कुल 15 बीघे जमीन नेवाराम के हिस्से की आई थी। शराब पिला पिला कर और तहसील में ले जाकर शारदा ने वो सभी 15 बीघे जमीन अपने नाम करा ली। होश आने पर नेमाराम ने इसका विरोध किया। पत्नी ने यह बताया कि तुम शराब के नशे में रहते हो, मुझे डर है कि कोई तुमसे दूसरा आदमी ये जमीन न लिखवा ले, इसलिए मैंने पहले ही अपने नाम जमीन करा ली। तुम्हारे नाम रहे या मेरे नाम रहे, एक ही बात है। फर्जी किससे कहानी भी कि फलां कह रहा था और ढिकाना कह रहा था, इसने बताया कि इसको किसी दिन पिला के और जमीन इसकी लिखवा लेनी है, जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा इसको अपने ही नाम करा लें। किसी तरह कन्विंस कर लिया उसने नेमा राम को। उसके साल भर बाद या साल भर से थोड़े कम समय में उसी जमीन के अगेंस्ट शारदा ने 20 लाख का लोन लिया ट्रैक्टर के लिए और पिकअप के लिए। लोन से जब ट्रैक्टर और पिकअप घर पर आ गए तो रोली मोली लगाकर पूरा उसका जो होता है कि साहब उसे चलाना शुरू किया जाए और नया वाहन घर में आया है, पूजा कर ली जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो, पूरा विधि विधान पूर्वक मिठाई बांटी गई और इस खुशी में नेमाराम को भी शामिल किया गया। पर्पस बताया शारदा ने कि अपनी जमीन की जुताई के अलावा किराए पर ट्रैक्टर गांव में बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसके जिसके पास ट्रैक्टर हैं वो कुछ पैसे पर घंटे फिक्स हैं, 200-250। लोगों के खेत जोतकर इसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। दूसरा ये बताया कि अपने भाई के लड़के को पिकअप से माल ढुलवाने का काम मंडी में लगाकर कराएंगे, सब्जी लादने, अनाज लादने, एक जगह से दूसरे जगह जाने, इसमें भी बड़ी बचत है और हम 2-3 साल में ही इस 20 लाख के लोन को आराम से चुकता कर लेंगे और उसके बाद सब कुछ हमको बचेगा या हमारा बचेगा। बेचारा नेमाराम, उसको भी ये बात ठीक लगी कि ये तो अच्छी बात है, ये जो मॉडल हमको बताया गया है ये सही लग रहा है। उसने विरोध नहीं किया। फिर अगस्त 2022 में, यानी घटना के लगभग 3 महीने पहले,
बीमा के एक एजेंट को बुलवा कर नेमाराम का 30 लाख का बीमा कराया, जिसमें मकान के पेपर्स और वो जो 15 बीघे जमीन अपने नाम कराई थी उसके पेपर लगाकर, मतलब हैसियत दिखानी होती है कि आप करा रहे हैं तो कैसे इसको रीपेमेंट करेंगे, 30 लाख का बीमा उसका कराया मृतक का। और उसका कारण बताया कि देखो तुम शराब पी के कभी इधर गिर जाते हो, कभी उधर गिर जाते हो, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो बीमा करा देंगे, कम से कम हमें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी, उस पूंजी से हम अपना कोई काम शुरू कर लेंगे। नेमाराम को फिर ये बात ठीक लगी कि बहुत ज्यादा केयरिंग है मेरी पत्नी। अब नेमाराम के नाम कुछ भी न जमीन रह गई थी, न अकाउंट में पैसा रह गया था, लोन उसके नाम ले लिया गया था जो उसको रीपेमेंट करना था, और उसका बीमा भी करा दिया था। शारदा के दिमाग में शैतान घूम रहा था 3 साल से। उसको लगा कि अगर ये मर जाए तो एक तो लोन माफ हो गया, 20 लाख वो मिले, वो खत्म हो गए, दूसरा 30 लाख बीमे का मिल जाएगा, यानी कुल 50 लाख का फायदा होगा अगर ये मर जाएगा, मेरा बेटा आराम से अपना बिजनेस कर लेगा। अगर ये ट्रैक्टर और जो पिकअप इसका काम चल गया तो बीमे की रकम से 2 पिकअप और खरीद लेंगे, और फिर हम रातों रात 4 पहिया गाड़ी आ जाएगी, बढ़िया मकान बन जाएगा, और बाकी चीजें उसके जो सपने थे वो सपने देखने लगे। घटना के 20-25 दिन पहले एक दिन नेमाराम शराब पीकर आया। उसी दिन तय कर लिया शारदा ने कि आज इसे मार देंगे। किसी बात पर अगर किसी को लड़ना हो तो उसके लिए कोई गंभीर बात की आवश्यकता नहीं है, किसी बात पर लड़ाई शुरू कर दे कि तुम ये नहीं आए, तुम वो नहीं आए, या उसने कहा दाल में नमक कम है, नमक ज़्यादा है, उसी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू की और उसे लाठी डंडे से बहुत मारा। लेकिन चिल्ल पों सुनकर आसपास की कुछ महिलाएं आ गईं, जिसकी वजह से वो अपने काम को पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाई, प्लान फेल हो गया। फिर 4 अक्टूबर को दिन में गांव में ही कोई प्रोग्राम था, किसी की इंगेजमेंट, किसी लड़की से संबंधित प्रोग्राम था, वहां पर गया, वहां से भी शराब पी कर आया। शराब पी कर आते ही ये तो पहले से ही मौके की तलाश में थी शारदा, उसने ये कहना शुरू किया कि आज तुमको हम घर में भीतर नहीं घुसने देंगे, कैसे तुमने शराब पी ली, दिन में कैसे पी ली। उसने बताया कि हम फला फला जगह इस फंक्शन में गए थे, सबने पिया, हमने भी पी लिया। लेकिन शराब वो ज्यादा पिए हुए था, धक्का देकर उसको नीचे गिरा दिया, सीने पर सवार होकर अंगोछे से उसके गर्दन को कस दिया। इतना कसती गई वो, क्योंकि नशे में था वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाया, उसकी हत्या कर दी। फिर अपने बेटे को बुलाकर उसे सारी बात समझाई, आधे घंटे तक क्या लोगों से कहना है, क्या बताना है, उसको वहां से उतार कर जमीन पर उतारना रखना और मुंह तक चादर से ढक देना, गर्दन के पास के इलाके पर वो अंगोछा एक रख देना ताकि लोग गर्दन के उस निशान को न देखें। जब सब काम पूरा हो गया तब रोना पीटना शुरू किया शारदा ने। महिलाएं आ गईं, फिर अड़ोस पड़ोस की, क्या हुआ,
बोले अभी आए थे फला के यहाँ से, शादी में लेटे हार्ट अटैक हो गया, मर गए। मैं उठा रही थी इनको खाना खाने के लिए, देखा तो जान नहीं थी। फिर अपने बेटे को फौरन कहा कि तुरंत मामा के यहाँ जाकर उन लोगों को लेकर इनके बड़े भाई को सूचना दो, वो भी उसी गांव में रहते थे। सारे लोगों ने जाके इनके बड़े भाई भाकर राम को सूचना दी। भाकर राम को तब ये शंका होनी शुरू हुई जब जल्दबाजी में इसको शमशान ले जाने की बात होने लगी, और जब लास्ट रिचुअल जो नहलाने धुलाने का घर में काम होता है उसमें भाई या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। महिला के शव को महिला ही नहलाती धुलाती हैं, चद्दर की आड़ कर देती हैं, पुरुष को भी चद्दर की आड़ करके, और जो घर के पुरुष मेंबर होते हैं वो नहलाते धुलाते हैं, और भी जो वहाँ जो बताया जाता है वो करते हैं। यहीं से उसका शक गहराने लगा था, और जब भरी भीड़ के बीच में ये क्रिया चिता पर शुरू हुई तो मोबाइल के उस फोटोग्राफ ने सारी पोल खोल दी। तो 3 साल से शारदा, अच्छा पहले ये मेड़ता में रहती थी, कस्बे में, मेड़ता कस्बे में 3 साल तक रही, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ इसका ये काम नहीं हो सकता, वहाँ घर की पोजीशन और लोकेशन की वजह से। इसीलिए ये थोड़े दिन पहले कुरड़ाया गांव, जो इसका गांव था, वहाँ पर चली गई थी, पति बेटे के साथ खुद वहीं रहने लगी थी। पुलिस ने मृतक के भाई भाकर राम, जिनकी उम्र 60 साल थी, सन ऑफ बालू राम, इनकी तहरीर पर हत्या का मुकदमा लिख दिया, और महिला की इस तमाम स्वीकारोक्ति जो उसने बताई थी उसको वेरीफाई करने के बाद शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच सीआई रोशन सिंह सामरिया वर्तमान में कर रहे हैं, और गांव के लोगों से पूछताछ में भी उन्हें यह पता लगा कि पत्नी इसके साथ मारपीट करती थी, कुछ दिन पहले उसे गंभीर चोटें भी मारपीट से आई थी, और घटना वाले दिन भी हल्ला गुल्ला मचा था। इन्हीं सारी एविडेंस के साथ शारदा को जेल भेज दिया गया। बेटे के बारे में भी लोगों ने पूछा कि रविंदर को जेल क्यों नहीं भेजा, तो पुलिस ने यह बताया कि नहीं, रविंदर को हत्या की जानकारी नहीं थी, रविंदर को ये कह के जल्दी जल्दी अंत्येष्ट की बात कर रहे थे कि जल्दी नहीं करोगे तो कोई इनके अंगूठे का निशान लेकर संपत्ति को अपने नाम करा सकता है, इसलिए नजर रखो कि कोई हाथ का हिस्सा ना चद्दर उठा के देख पाए, जिसको देखना हो बस शक्ल देख ले, और जल्दी से जल्दी इसकी अंत्येष्टि कर दो, शव के पास किसी को फटकने मत दो, रहना है तो मेरे भाई और भतीजे रहें, बाकी इनके परिवार का कोई न रहे। उसको सिर्फ इतनी जानकारी थी, इसलिए उसको जेल या उसकी अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई और उसे जेल नहीं भेजा गया। आज की घटना, 28 साल के वैवाहिक जीवन के बाद कोई पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है, इतनी नृशंस हो सकती है, इतनी क्रूर और शातिर हो सकती है, ये कल्पना से परे है, ये समझ से परे है। 28 साल
जिसके साथ रही हो, जिससे दो बच्चे हों, बच्चे बड़े बड़े हों, बेटी की शादी हो चुकी हो, वो अपने ससुराल में रहती हो, बेटे की शादी होने वाली हो, ऐसे में पत्नी इतनी निर्दयी और निशंस और क्रूर हुई कि उसने पति की हत्या कर दी। कारण सिर्फ यही था कि बड़ा आदमी बनने की लालच, पैसा आ जाए और कुछ काम धाम शुरू करें, जैसे गांव में कुछ लोग काम शुरू करने के बाद अचानक अमीर हो गए, बड़े आदमी हो गए, वैसा हम भी हो सकते हैं। 3 साल से प्लान करते करते और 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली शारदा ने अपने पति की हत्या कर दी। देखिए, गांव की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, कि फलां ने टेम्पो खरीदा, चलाना शुरू किया, अब उनके पास 4-5 टेम्पो है, मकान भी बन रहा है, मोटरसाइकिल भी खरीद ली है। ये सक्सेस स्टोरीज छोटी छोटी गांव की हैं, कि कुछ नहीं करते थे, पास के कस्बे में पान की दुकान खोल ली, मोटरसाइकिल भी खरीद ली, अब उनका काम अच्छा चल पड़ा। अगली सक्सेस स्टोरी जो सामान्य रूप से हर गांव में देखने को मिल जाएगी, कि पिकअप खरीद के माल की ढुलाई का काम शुरू किया और 2 बहनों की शादी बड़ी अच्छी तरह से की, इतना पैसा मिल गया, ट्रैक्टर खरीद के जुतवाना शुरू किया, अपना पंपिंग सेट लगवा लिया, अब वो सिंचाई से भी पैसा लेता है। ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज गांव की हैं। और हम लोग YouTube पे जिस सक्सेस स्टोरी के आदि हैं या जो देखते हैं कि साहब 5,000 की पूंजी लगाकर 10 करोड़ का बिजनेस हो गया, 20,000 से स्टार्टअप शुरू किया, 5 कंपनियों का मालिक हो गया, इस तरह की हजारों सक्सेस स्टोरीज आपको YouTube में मिल जाएंगी। इस तरह की सक्सेस स्टोरीज यंगस्टर्स को बहुत अपील करती हैं कि अगर इसने किया तो हम भी कर सकते हैं, कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं और कुछ कुछ अपने इस प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन गांव की ऐसी सक्सेस स्टोरीज वो शारदा जैसी महिलाओं या पुरुष को ही अपील करती है। और इसी तरह की गांव की कुछ सक्सेस स्टोरीज ने उसे सपने देखने के लिए मजबूर कर दिया। अट्ठाईस साल से अपने पति के साथ रहते रहते शायद उसने ये जज किया कि इसके भरोसे तो कुछ संभव नहीं है, बेटा ही हमारा ऐसा कर सकता है। उसके लिए जमीन लिखवाना, जमीन के अगेंस्ट ट्रैक्टर और पिकअप खरीदना, उसके बाद उसका बीमा करा देना, ये सब उसी प्लान के तहत था कि काम जब शुरू करेगा मेरा बेटा तो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन जाएगा, हमारा भी पक्का मकान होगा, 4-पहिया वाहन होगा। इस तरह के जो सपने उसने देखे थे शारदा ने, उसको अपने बेटे के जरिए पूरा करने की मन में ठान ली थी। पहले लोन ले लो, फिर पिकअप और ट्रैक्टर ले लो उसी जमीन के अगेंस्ट, फिर बीमा करा लो कि इन केस ये मर जाए तो इसका पैसा अलग से मिल जाए। जब उसके पास कुछ नहीं रह गया तब उसका दिमाग घूमने लगा कि अगर ये मर जाए तो 20 लाख का लोन माफ और 30 लाख का बीमा मिल जाएगा क्लेम, 50 लाख हमारे पास होंगे, बेटे को ट्रैक्टर और पिकअप का लोन अदा नहीं करना होगा और नगद पैसे होंगे, हम और पिकअप और ट्रैक्टर खरीद के उसे चलवाएंगे। प्लान तो देखिए फुल प्रूफ बनाया था और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया। ये तो भला हो मृतक के भाई और उसके 2-1 परिजनों का, जिन्होंने
डेड बॉडी की फोटो खींचकर यह साबित किया कि यह हार्ट अटैक से नहीं इसकी हत्या हुई है। हालांकि पीएम पोस्टमार्टम न होने के कारण ट्रायल में ये केस टिकेगा, इसमें हमें शंका है। तमाम चीजें बताई जाएंगी और ये कहा जाएगा साहब पीएम नहीं हुआ है, इससे ये बातें प्रूव नहीं होती हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उसने हत्या की ये जानकारी पूरे गांव और आसपास के लोगों को हो गई। और ट्रायल जब तक होगा, समापन होगा, बरी होगी या सजा होगी, तब तक तो जेल में रहेगी। शारदा की अति महत्वाकांक्षा, पुत्र प्रेम और समाज में दिखाने के लिए बड़े आदमी होने का ढोंग, इन्हीं चीजों ने उसे पति का हत्यारा बना दिया। ऐसा नहीं है कि पति को इसका एहसास नहीं हुआ होगा। अपने नाम जमीन कर ली और कहा कि तुम किसी को लिख देते, या कोई दूसरा इस फिराक में था कि तुमसे लिखा लेता, फिर लोन लेके दो दो गाड़ियां ले लेना, एहसास तो उसे जरूर हुआ होगा, लेकिन इतना खतरनाक अंजाम होगा इसके बारे में शायद उसने नहीं सोचा होगा। इसीलिए किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर घर परिवार में किसी पर, किसी के ऊपर या किसी में अति महत्वाकांक्षा के लक्षण दिखें, तो थोड़ा सावधान रहने और उसके कार्यकलापों पे नज़र रखने की आवश्यकता है। महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ नहीं है, हर एक को रखनी चाहिए, बड़ी महत्वाकांक्षा भी रखनी चाहिए, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पाने के लिए जो रास्ता है इस पर नजर जरूर रखें, वरना वही होगा जैसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर के मेड़ता में एक पत्नी ने अपने पति को पहले जमकर पीटा, उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी 3 साल पहले ही पति की मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। करीब 3 साल पहले उसने पति की जमीन जायदाद अपने नाम कराई थी। इस दौरान भी उसने पति को टॉर्चर किया था और उसके पैर तोड़ दिए थे। 3 महीने पहले ही उसने पति के नाम से 20 लाख रुपए के ट्रैक्टर और पिकअप फाइनेंस कराए थे। साथ ही पति का 30 लाख रुपए का बीमा भी कराया था ताकि मौत के बाद वो उसका क्लेम उठा सके। दाह संस्कार होने के बाद हमें जानकारी मिली कि उस व्यक्ति के साथ में मारपीट हुई थी, उसके शरीर पे चोटें थी। हम गांव में गए और जानकारी की तो पता चला कि उसमें उसकी पत्नी द्वारा ही उसकी आपसी लड़े झगड़े के दौरान मारपीट करके हत्या कर दी गई है। अंतिम संस्कार के वक्त मृतक के भाई ने शरीर पर चोटों के निशान देखे और मोबाइल में फोटो ले लिए। इसके बाद पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हिमांशु गौड़, दैनिक भास्कर, मेड़ता।